नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पूनम अहमद जी की कहानियों का संकलन कभी अपने लिए। इसी श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है मोनालिसा। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए बुक ऑडियो। पेरिस का लूवर म्यूजियम देखने की बड़ी चाह थी मेरे मन में। अब से पहले मैं कई बार रजत से पूछ चुकी थी, रजत अंदर से क्यों नहीं देखा तुमने म्यूजियम अब तक? पेरिस में 2 साल से रहकर भी नहीं गए। दीदी, मुझे पेंटिंग्स का इतना शौक नहीं है ना, मैंने उसे छेड़ा। बस तुम बाहर से ही लूवर के साथ फोटो खिंचवा कर अपनी डीपी रखना, रजत हंस पड़ा था। मम्मी पापा और मैं यूरोप घूमने आए हुए हैं, रजत पेरिस में MIM कर रहा है। आज हम लूवर जा रहे हैं, विश्व के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है लूवर। लूवर का पिरामिड पेरिस का सबसे मशहूर दर्शनीय स्थल है, जहां 35,000 से ज्यादा पेंटिंग्स और मूर्तियां हैं। यहां विंची की मोनालिसा शायद विश्व की सबसे मशहूर पेंटिंग है। माइकल एंजेलो का बनाया 2 15 मीटर ऊंचा स्टैचू उन महान कृतियों में से एक है। लूवर पेरिस का सेंट्रल लैंडमार्क है। पेरिस आकर लूवर तो जाना ही था। पापा को पेंटिंग्स मूर्तियां देखने का कभी ज्यादा शौक तो नहीं रहा, पर यहाँ की कला देखकर कौन तारीफ किए बिना रह सकता है। पापा भी मुझे मंत्रमुग्ध से दिखे, पेंटिंग्स की खूब फोटो ले रहे थे। उनकी नजरों में प्रशंसा का भाव देख मुझे अच्छा लगा। रजत आज तो वो भी बोरियत के एक्सप्रेशंस नहीं दे पाया। इन पेंटिंग्स को देखकर वो भी हैरान था, कहने लगा, मुझे तो लगा आज मैं बोर हो जाऊंगा, पर ये सब तो एक से एक मास्टरपीस है। और मुझे तो ये सब देखने में जो अतुलनीय आनंद आ रहा था शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकती। मैंने एक नजर मम्मी पर डाली, वे हम तीनों से काफी पीछे थी, जैसे किसी जादू के घेरे में हर पेंटिंग के आगे खड़ी होती और अपलक पेंटिंग को निहारती। मैंने पापा को इशारा करके ये सीन दिखाया। पापा ने मम्मी को छेड़ा, शुभ्रा हम भी हैं साथ में, हमें भूल गई क्या? मम्मी की नजरें मुझसे मिली तो मैंने नोट किया कि उनकी आंखों में नमी सी है, जिसे वो बड़ी महारत से सबसे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। नाकाम ही कहूंगी, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था ना, बेटी हूं उनकी। जैसे वे मेरी बात मेरे बिना कहे जान जाती हैं, तो उनकी आंखों की ये नमी मुझसे भला कैसे छुप पाती। मैं प्रत्यक्षतः तो चुप ही रही, पर अब मेरा ध्यान मम्मी की भाव भंगिमाओं पर ही लगा था। रजत ने इतने में मेरे कान में कहा, दीदी भूख लगी है, ये तो बहुत बड़ा म्यूजियम है, खाना खा ले। 1 बज रहा था, मम्मी के खाने का भी टाइम है, उन्हें भी भूख लगी होगी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी लंच कर ले फिर यहीं आ जाएंगे। कुछ गीले नरम से शब्द मेरे कानों में पड़े, धैर्या एक बात मानोगी? बोलो मम्मी। तुम तीनों जाकर खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, यहां से हटने का मन ही नहीं है। पापा भी कहने लगे, नहीं शुभा, लगातार खड़े रहने और चलने से तुम्हारा बैक पेन बढ़ सकता है, तुम्हारा थोड़ा बैठना जरूरी है। पर एक बार इस विंग से एग्जिट कर दिया तो शायद आ नहीं पाएंगे, और अभी तो बहुत सारी पेंटिंग्स बची हैं, कहीं देखने से ना रह जाए। रजत ने कहा, इतनी पेंटिंग्स है मम्मी, थोड़ी बहुत रह भी गई तो कोई बात नहीं। मम्मी परेशान से दिखे, ना ना बेटा, कुछ रह ना जाए। धैर्या प्लीज, तुम तीनों ही जाओ खा लो, मैं बाद में खा लूंगी बेटा। मैंने कहा, ठीक है मम्मी बाद में चलते हैं, बस थोड़ा जल्दी कर लो आप, अभी ये विंग काफी बचा है। ये सुनकर मम्मी ने बहुत उत्साह से आगे कदम बढ़ा दिए। बेहद खूबसूरत कलाकृतियों के बीच
कुछ समय और बीत गया। हमेशा समय पर खाने पीने वाली मम्मी को आज भूख प्यास का होश ही नहीं था। लंच करते हुए भी उनके प्रफुल्लित चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी। नहीं तो अब तक हम यूरोप में जहां जहां घूमे थे, मम्मी कभी थक कर बैठ जाती तो कभी जल्दी से देख कर निपटा देती। पर लूव्र में तो एक मेरी कोई और ही माँ थी। उनके चेहरे में कुछ तो ऐसा था जो मैंने लंबे समय से नहीं देखा था। उसके बाद हम उस विंग में गए जहां विंची की विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा का चित्र बाहर ही लगा हुआ था। उस हॉल में भीड़ सबसे ज्यादा थी। एक दीवार पर मोनालिसा थी और उसके सामने की दीवार पर द लास्ट सपर। पेंटिंग्स पर नजर डालकर मैंने मम्मी को देखा। भीड़ में पेंटिंग के आगे जाकर खड़ी मम्मी पेंटिंग को एक टक देखती हुई, उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहे चली जा रही थी। मेरे कदम वहीं जड़ हो गए। मम्मी कभी मोनालिसा को देखती तो कभी मुड़कर द लास्ट सपर को, जिसे उन्हें समझ ही ना आ रहा हो कि पहले और ज्यादा किसे देखें। रजत और पापा अपने अपने फोन से तस्वीरें लेने में व्यस्त हो गए थे। मम्मी मोनालिसा को कई दिशाओं से देख रही थी और मैं अपनी माँ को कभी इधर से कभी उधर से, चेहरों पर बच्चों जैसा भोलापन लिए, जैसे किसी बच्चे को अचानक कोई चीजें देखकर समझ नहीं आता कि पहले कौन सी चीज हाथ में ले। बच्चा कभी कुछ उठाता है तो कभी कुछ, ऐसी ही स्थिति मम्मी की थी। इतनी भीड़ में कभी किसी पेंटिंग के सामने खड़ी होती तो कभी किसी के, आंसू उनके गाल पर बहे चले जा रहे थे। अब मुझसे रुका नहीं गया। मम्मी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, ये क्या मम्मी, रो क्यों रही हो? देखो कोई और रो रहा है यहाँ, तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी के आंसू और वेग से बहने लगे, उत्साह के आवेग से रूंधे कंठ से निकला, धैर्या, ये मोनालिसा, मैंने इसकी पढ़ाई की है और ये लास्ट सफर, मुझे आज तक याद था कि इसमें ऊपर तीन चिड़िया हैं और ये कुत्ता, देखो इसके कलर्स देखो, मैंने सब पढ़ा है। कभी सोचा ही नहीं था कि इन पेंटिंग्स को जीवन में अपनी आंखों से देखूंगी। देखो धैर्या, कितनी सुंदर कलर स्कीम है। तुम्हें पता है हमने पढ़ा है ये सब। ये बेहतरीन कलाकार और मोनालिसा को देखो, जैसे अभी कुछ कहेगी। इसे बनाने की हम बहुत कोशिश करते थे, फिर कितना हंसते थे, इसके तो आसपास भी नहीं फटक सके थे हम। दिन भर इसके स्केच बनाने की कोशिश करते थे हम। मेरी एक स्केचबुक तो इसी की प्रैक्टिस से भरी थी, पर ऐसे कहां बनती। अचानक भीड़ से मम्मी संभली, माहौल का आभास हुआ तो चुप हो गई। थोड़ा और देख लूं कहकर भीड़ में और आगे जाकर देखने की कोशिश करने लगी। मैं तो पाषाणवत खड़ी की खड़ी रह गई। रजत और पापा इधर उधर हो गए थे। मैं एक कोने में जाकर मम्मी को ही देखते खड़ी हो गई। मेरी आंखें भी भर आई थी। ये आभास मुझे अभी हुआ था। ये क्या हो गया था हमसे? ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया था मम्मी ने। मम्मी कितनी पेंटिंग्स बनाती थी। हमें पढ़ाते हुए बैठे बैठे हमारी किसी भी नोटबुक के आखिरी पेज पर स्केच बनाती रहती थी। स्कूल में बच्चे भी पूछते थे, किसने बनाया? और हम गर्व से बताते थे, मम्मी ने। मम्मी ने ही तो हमेशा हमारे ड्राइंग के होमवर्क किए थे। और हमने क्या किया? उनका ये शौक घर और हमारी जिम्मेदारियों के बीच कब पीछे छूटता चला गया। हम में से किसी ने परवाह भी नहीं की, पूछा भी नहीं किसी ने कि मम्मी अब क्यों कुछ नहीं बनाती, क्या अब उनका मन नहीं होता? वे घर के ही काम निपटाती रही। उनका एक ही तो शौक था, वो भी खो गया। हम सब कैसे भूल गए कि वे भी एक कलाकार हैं
अपनी कला को गुम होते देख कैसे उनका मन चैन पाता रहा होगा। आज मुझे याद आ रहा है कि कैसे तबीयत खराब होने पर भी वे मेरा ड्राइंग का होमवर्क करने बैठ गई थी। कहा था, अरे मैं कभी कुछ ड्रॉ करने से थक सकती हूँ क्या? जल्दी बताओ क्या बनाना है, बहुत दिन से कुछ नहीं बनाया। जो हमारा ड्राइंग का काम करने के लिए बीमारी में भी आतुर हो उठती थी, उन्हें और कुछ बनाने का मौका क्यों नहीं मिला? उनके अंदर का कलाकार बस हमारा होमवर्क करने में ही संतोष पाता रह गया। बड़ी भूल हुई हमसे। अचानक मुझे मम्मी के चेहरे में मोनालिसा के चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दिया, जैसे उनके चेहरे पर भी एक उदास सी मुस्कुराहट थी और मन में जाने कितने दुख भरे राज। ये क्या? मैंने मोनालिसा को देखा तो उसमें मुझे अपनी मम्मी का चेहरा नजर आया। मुझे मोनालिसा की उदास व रहस्यमय मुस्कुराहट में अपनी मम्मी की मुस्कुराहट दिखाई दी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग उठी थी। ये आज मम्मी के चेहरे पर कौन से भाव हैं जो मेरे दिल तक सीधे पहुंच रहे हैं? अचानक एक धुंधली सी याद आई, जब मैं एक दिन स्कूल से लौटी थी तो मम्मी अपनी पेंटिंग का सामान रोते हुए स्टोर रूम में रख रही थी। नहीं, बात कुछ और थी। ये घर की व्यस्तता नहीं थी जिसने मम्मी को उनकी कला से दूर कर दिया था, ये कुछ और था। हाँ, याद आ रहा है, मैंने मम्मी से तब पूछा था कि ये सामान यहाँ क्यों रख रही हो। मम्मी ऐसे ही मुस्कुराई थी, हाँ ऐसी ही हंसी थी, मोनालिसा जैसी। कहा था, अब कहाँ टाइम मिलता है। उस दिन मुझे खाना खिलाते हुए भी मम्मी अपने आंसू पोंछ रही थी। क्यों रोई थी मम्मी उस दिन? क्यों नहीं उसके बाद कभी कुछ बनाया उन्होंने? मैं जानकर रहूंगी कि उस दिन हमारे स्कूल जाने के बाद क्या हुआ था घर में। हमें ये गलती सुधारनी होगी। मैं मन ही मन बहुत कुछ सोच चुकी थी। हम चारों इकट्ठा हुए, दूसरे हॉल में जाना था जहां एक से एक लैंडस्केप्स थे। मम्मी फिर खुशी से झूम उठी, यहाँ इस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैंने बात छेड़ी, मम्मी इन सब में कौन सी बेस्ट है? मम्मी ने हर तरफ देखकर बताया, ये वाली। मम्मी ड्राइंग रूम के लिए ऐसी बनाओगी? मम्मी ने एक ठंडी सांस ली। पता नहीं क्या कहूं। कहना क्या है, जाते ही ऐसी बनाना, घर के हर रूम में आपकी पेंटिंग होनी चाहिए। हमारे घर में भी एक कलाकार है और हम यहाँ दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं। मेरे कहने के ढंग पर मम्मी हंस पड़ी, बोली, देखेंगे। मैंने पापा और रजत को जल्द से इशारा कर दिया था। पहले दोनों कुछ समझे नहीं, फिर मैंने उन्हें आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कहा, जिसे दोनों ने सुन लिया। दोनों ने कहा, हाँ जरूर बनाना। रजत ने कहा, हमें आपके जितना इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ? मैं जब अगली बार इंडिया आऊं तो आपकी पेंटिंग ड्राइंग रूम में होनी चाहिए। मम्मी ने पापा को देखा, फिर भी फौरन बोले, हाँ शुभ्रा, बहुत सालों से तुमने कुछ नहीं बनाया, अब एक मास्टरपीस हो ही जाए। मम्मी ने इस बात पर जैसे पापा को देखा। मुझे फिर मोनालिसा की मुस्कुराहट याद आई। कुछ था मम्मी की मुस्कुराहट में, क्या था मुझे जानना था। मैंने उन्हें कब ऐसा देखा था याद नहीं। मेरे दिल में जैसे कुछ उमड़ा जा रहा था। कैसी होती है माए, घर बच्चों में अपने ही दिल को क्या अच्छा लगता है भूल जाती है। कभी जिक्र भी नहीं करती, कभी जतलाती भी नहीं है कि उनका क्या कब छूटता चला गया। पर हमें उन्हें अब याद दिलाना था। मैंने बहुत कुछ सोच लिया था। जाते ही उनके लिए कलर्स, कैनवास, सब सामान आना था, ये तय था। पर मुझे उससे पहले बहुत कुछ जानना था। डिनर करते हुए हम चारों साथ बैठे तो टॉपिक लूव्र ही था। हम चारों को लूव्र बहुत अच्छा लगा था। मैंने बात छेड़ ही दी, मम्मी
आपने पेंटिंग्स बनाना क्यों छोड़ा था? मम्मी के हाथ कानी वाला हाथ में ही रह गया। उन्होंने पापा को देखा। मुझे पल भर में ही मम्मी की आंखों में बहुत कुछ दिखा। दुख, निराशा, नमी। मेरी और रजत की आंखें भी पापा पर टिक गई। रजत ने कहा, हाँ मम्मी, बताओ ना। मम्मी की आंखों में पापा को जो भी कुछ नजर आया होगा, पापा ने गंभीर स्वर में शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं बताता हूं, ये सब मेरी ही गलती है। तुम्हारे दादा दादी शुभ्रा के पेंटिंग्स के इस शौक से नफरत करते थे। अम्मा को लगता था ये बेकार में पैसे उड़ाने वाला शौक है। उन्हें पता नहीं क्यों शुभ्रा पर गुस्सा आता रहता था। बहुत बाद में मैंने महसूस किया, अम्मा शुभ्रा के गुणों से जलती थी। शुभ्रा में जो गुण हैं, वे अम्मा में नहीं थे। इतना धैर्य, त्याग उनमें कहाँ था? मैं उनकी इकलौती संतान था, फिर शुभ्रा की पेंटिंग्स उनके हुनर को मेरे सामने इतने बुरे रूप में रखती थी कि एक दिन मैं उन पर अंधविश्वास कर शुभ्रा की इस कला का अपमान कर बैठा। अम्मा ने मेरे सामने इसकी अधूरी पेंटिंग फाड़ कर फेंक दी। मैं चुपचाप देखता रहा, अम्मा को कुछ नहीं कहा। उस दिन शुभ्रा ने जिन नजरों से मुझे देखा था, मैं अंदर तक शर्मिंदा हो गया था। पर अपने माता पिता की गलत बातों के खिलाफ बोलने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। शुभ्रा ने उस दिन अपना सामान उठाकर स्टोर रूम में रख दिया, फिर कभी कुछ नहीं बनाया। जो बच्चे शुभ्रा से पेंटिंग सीखने आते थे, उन सबको शुभ्रा ने अगले दिन से सिखाने से भी मना कर दिया। मैं शुभ्रा का जीवन साथी हूं, उसका पति हूं। मैं अपने पति होने का फर्ज ठीक से नहीं निभा पाया। मैंने अपनी पत्नी के गुणों की कदर नहीं की, उसका दिल दुखाया है। सालों ये मन ही मन कितना जली होगी। एक कलाकार को अपनी भावनाएं व्यक्त करने से रोका मैंने, कैसे जी होगी ये? फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं की। अम्मा बाबूजी नहीं रहे, पर शुभ्रा ने कभी ब्रश नहीं उठाया। मैंने भी नहीं कहा, पर आज बच्चों के सामने तुमसे माफी मांगता हूं शुभ्रा। पापा ने कहते कहते मम्मी का हाथ पकड़ लिया। शुभ्रा, जितना समय निकल गया उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब घर जाकर अपनी इस कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। क्लासेस लो, पेंटिंग्स बनाओ, सब कुछ करो जो तुम्हें करना था। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज इतना अच्छा दिन था, लूव्र का दिन। आज के दिन मुझे माफ कर दो। मम्मी इस आखिरी बात पर मुस्कुराई तो मुझे लगा मेरी मम्मी मेरी मोनालिसा की इस मुस्कुराहट के आगे सारी दुनिया की मुस्कुराहट फीकी है। इस मुस्कुराहट में बहुत कुछ था जो मेरे मन को पुलकित कर गया था।